शेर तो वो है जो अपनी टेरिटरी खुद मार्क करता है, खुद क्लेम करता है अपनी सल्तनत। कोई नहीं होगा उसके। ब्लैक एंड व्हाइट में कायर रहते हैं। शेर ग्रे में पैदा होता है, ग्रे में, जहां दोस्त भी मुहैया नहीं होगा, दुश्मन भी मुहैया नहीं होगा, सीरत भी नहीं मिलेगी, उस्ताद ही नहीं मिलेंगे उस फील्ड के अंदर, मशवरा देने के लिए साया नहीं होगा साथ, वहां बनती हैं चीजें। तो बड़ी बात है मेरे भाई, महफिल में कुछ ऐसी रूहें बैठी हैं और मेरे बुजुर्ग भी बैठे होंगे, फैसला किया यार मैं ये नहीं, मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता, इतनी सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश लाइफ नहीं मैं गुजार सकता कि सब कुछ मेरे से शुरू होता और सब कुछ मेरे पे खत्म हो जाए। ये जिंदगी, ये म्यार ही नहीं है जिंदगी। दुनिया की कदावर हस्तियां जो आई हैं वो अपने आप से आजाद थे। 40-40 साल उनकी ट्रेनिंग हुई है तन्हाइयों के। 36 साल की उम्र में कायनात का सबसे बड़ा लीडर छोड़ गया भाई, वो हट गया सिस्टम से, गार में चले गए नबी। भाई मैं अब नहीं और ले सकता, ये बहुत गंद है इसके अंदर, ये बहुत फिल्थ है सोसाइटी, बहुत मसनूयत है। ख्वाबों को परवान चढ़ने के लिए, अपने कत्ल का एक रिवाज बनने के लिए, मिजाजों को एक समाज बनने के लिए, लफ्जों को एक कलाम बनने के लिए, कलामों को वो किताब बनने के लिए, किसी के सीने का एक एहसास बनने के लिए, वक्त की नजाकत में एक रफाकत बनने के लिए तन्हाइयां चाहिए होती हैं, तन्हाइयां। और हम लाइमलाइट के लाइमलाइट, बड़े बड़े लोग जिन्होंने सिस्टम खड़े किए हैं दुनिया के अंदर, कुफार के हों या हमारे, इवन दुश्मनों के भी आप बड़े लोग उठा के देख, आजाद थे वो अपने आप से, आजाद। नेल्सन मंडेला की इसने मिसाल दी मेरे भाई ने, नेल्सन मंडेला के बारे में मेरे भी 2.50 सेंट्स ले आप यहाँ। नेल्सन मंडेला को ऐसी जगह सजा दी गई थी कि उसे टच करने की सजा दी गई थी कि इसको टच कोई नहीं कर सकता, नो बडी विल टच नेल्सन मंडेला, तो उसकी फैमिली दूर से मिलती थी उसको, इतनी सख्त सजा दी। उसके जेलर ने कहा था कि जेलर ने कहा था नेल्सन मंडेला के, मैं वो वाहिद शख्स हूं, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत दे दी जाती, मैं दुआ करता हूं तुझे सजाए मौत मिल जाती। ये जो उन्होंने तुझे सजा दी है ना कि तू बैठा है यहां पर, तुझे छू भी नहीं सकता, ना तू किसी को छू सकता, ना कोई तुझे छू सकता। 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है ना, 20 साल के बाद जब वो मैदान में उतरा है, ऐसा फ्रेश था वो अपनी जंग के अंदर कि उसने पहले दिन आते साथी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द सिक्योरिटी एजेंसीज, प्राइम मिनिस्टर, जितने बड़े चौधरी बैठे हुए थे सिस्टम के, उसने पहले दिन आके बोला जेंटलमैन सिट डाउन नाउ आई विल टॉक। 20 साल तैयार था वो, 20 साल तैयार था कि उसने बोलना, ये नहीं था सानू 5 साल बाद रिहाई मिले ऐसे ले लो जाने के, 20 साल भी वो रेडी था। आखिरी के जुमले में उसके बोलता हूँ कि उसकी पूरी जिंदगी की तारीख में वो आखिरी के अंदर ना एक फील्ड में जा रहा था, एक फसल से गुजरते हुए उसने कहा था, उसकी बीवी से भी उसका इख्तलाफ हो गया एक बड़े कोर इशूज के, जमात के कोर इशूज पे, मंशूर के बुनियादी रुकन शिक पर उसका इख्तलाफ हो गया बीवी के साथ नेल्सन मंडेला, एंड में वो बीवी भी छोड़ गई। बताओ क्या कहता है, कहता है इट्स अ लोनली वॉक, ये लीडर की जो ये वॉक, ये लीडर की जो ये जो जर्नी है ना, ये जो सफर, ये तन्हाइयों का सफर, कह रहा है ये सफर ही तन्हाइयों, ये बाजू मिलते हैं, जमातें बनती हैं, तरीके बनती हैं शराबी भाई, लेकिन एंड में ये दो टांगे होंगी जो जिसके ऊपर खड़ा होता है इंसान, इसलिए कहते हैं दोस्ती टांगों से दिल लगा के करनी चाहिए, होंगे एंड में यही दो होंगी और कोई साथ नहीं खड़ा होगा, शुरुआत में भी ये टांगे अकेली होती हैं, एंड में भी ये टांगे अकेली होंगी। लीडर को एक लेवल पे कोई समझ ही नहीं सकता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, लेकिन बड़ी बात है कि अपने आप से आजाद हुआ और अपने आप से आजाद हो के कौम का हो गया। ये कहां सिखाया गया है कि किरदार को मुकाबले में लेके आ मैदान के अंदर, किरदार से मार, तंग कर सिस्टम को तंग कर अपने किरदार, अमीरी में फकीरी अपना, फकीरी में अपनी अमीरी अपना ले। इकबाल कहता ही रह गया कि खुद ही मत बेच, फकीरी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर, फकीरी में नाम पैदा कर, तो कॉन्सेप्ट इज अपने खिलाफ जा, तंग कर अपने आप को, तंग कर अपने आप को, तंग कर फिर इर्द गिर्द की चीजों को तंग कर, रस्तों के ऊपर ऐसा करिश्मा पेश कर, सोचे लोग बैठ के क्या बात कर रहा है, अजीब बात कर रहा है। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने बात पेश की, भाईजान आप लोग देते हो तो कम देते हो, लेते हो तो दो ज्यादा ले लेते हो, ये सोशल जस्टिस नहीं है, ये इंसाफ नहीं, बराबरी बराबरी होनी चाहिए। कितनी अच्छी पॉजिटिव बात। कौम क्या कहती है, मैं नफका हूँ कसीर मिम्मत, भाईजान हमें आपकी बात ही नहीं समझ, मतलब स्ट्रेट चिट्टा इनकार, मैं नफका हूँ कसीर मिम्मत, हमें आपकी बात ही नहीं समझ, गहराई नहीं समझ में आ रही, आप क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो पैसा कमाना होना चाहिए ना, मैं जैसे भी कमाऊं, ये आप क्या बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, एंटरप्रेन्योरशिप जस्टिस की, ये क्या बातें कर रहे हैं, खुद को तंग करने वाली जो सोच थी ना, बड़ी बात है आप निकले भाई वहां, कितने ही मिलेंगे, अपने आप से ही आजाद नहीं, मैं अपने आप से आज आजाद नहीं हूं, ऐसे ऐसे महान अलकाब लोग लगा देते हैं लोगों को, अल्लाह भी कहता है फला तज़क्कू अनफुसकुम, अपने